बहुत ही मुलायम है दोस्तों, ये देखिए। नमस्ते दोस्तों, उषा बिलासपुर चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज हम बनाएंगे पापड़ जो सभी को पसंद रहता है, तो बहुत ही अच्छे से बनाएंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। तो यहाँ से हम आलू ले लेते हैं, तो उबालना होता है तो छोटे छोटे आलू का जो है हम लोग लेते हैं, जैसे कि जल्दी से उबल भी जाए, और छीलना होता है तो बड़ी बड़ी आलू होता है तो छीलने में आसानी होती है। तो बोले हम ले को लगा लेते हैं, तो आलू को हम अच्छे से धोएंगे। तो दो बार हमने आलू को धो लिया है, तो चलिए अब हम चूल्हे के पास रख देते हैं, चूल्हे में आग को जला देते हैं। आग को हमने जला लिया हुआ है, अब इसमें हम भगोला को रख देते हैं। भगोला रखने बाद इसमें हम डाल देते हैं आलू सारा। अब इसमें हम डेढ़ कटोरा डाल देंगे पानी, अच्छे से सेट करके इसे ढक देंगे और तेज आंच में अच्छे से उबालेंगे आग को। तो देखिए उबलना जो है स्टार्ट हो गया है, तो चलिए हम मसाले को तैयार करेंगे। तो पापड़ में दोस्तों लाल ही मर्चा जो है अच्छा लगता है, तो देखिए लाल मर्चा हम सूखने के लिए डाल दिए थे, इसे हम डंठल को तोड़कर ले लेते हैं। थोड़ा सा जीरा भी ले लेते हैं और हींग, नमक डालकर हम पीसेंगे। मैं तो इसी में डालकर मर्चा पीसते तो अच्छे से पिसाता है। मसाले को हमने देखिए पीस लिया हुआ है, इसे इसे रहने देते हैं और चलिए फिर दोबारा देखते हैं इसको। तो बहुत ज़्यादा जो है हवा चल रहा है, इसे आज जो है परफेक्ट नहीं लग रहा है, बाहर निकल रहा है। तो चलिए इसमें आलू थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो आलू बहुत जल्दी जो है पकने वाला है, क्योंकि देखिए सब में जो है लकड़ी जो है घुस रहा है, थोड़ा सा और ढकेंगे हम। जितना अच्छा पका रहेगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए। आलू हमारा पक गया है, चलिए दूसरे बर्तन में से पलट। इस बड़े वाले बर्तन पलट। तो थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर हम इसे निकाल देते हैं, थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। छांव में बैठते हैं। तो चलिए ठंडा पानी लगा लगा कर हम जल्दी जल्दी जो है छिलके को उतारेंगे। पापड़ दोस्तों बहुत ही अच्छा हम बनाएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। तो थोड़ा सा छिलका उतारने के बाद चलिए हम पीसेंगे और आलू तोड़कर, और हमारी बेटी जो है आलू के छिलका उतारेगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मसाला पीसी रहने देते हैं और एक एक आलू रख कर हम अच्छे से पीसेंगे दबा दबा कर। बहुत ही अच्छे से जो है इसमें लस बनता है और अच्छा पापड़ बनता है। तो थोड़ा थोड़ा जब पीस लेंगे तो इसे उठाकर हम दूसरे बर्तन में रखेंगे। देखिए यहाँ पे तो ढेर सारा हमने आलू को जो है पीस लिया हुआ है, तो देखिए ढेर सारा जो है लासा बन रहा है इसमें, ये देखिए। चलिए इसे उठा लेते हैं। आलू पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चिपकता है बहुत ज़्यादा। धनिया की पत्ती को छोटे छोटे टुकड़े में हम काट लेते हैं। धनिया की पत्ती को डालने के बाद हाथों में हल्का सा हमने तेल लगा लिया है, जैसे हाथ में चिपके ना। तो धनिया की पत्ती मिला दिया हुआ है और नीमक और मर्चा थोड़ा सा हमने कम डाला हुआ है, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा ना पड़े। पापड़ में बहुत ही खराब लगता है ज़्यादा तीखा और ज़्यादा नमक। शादी में दोस्तों गाँव में जो है पापड़ डाला जाता है ज़्यादातर, तो यहीं पे हम भी डालते हैं। तो चलिए इसे हम फैलाते हैं पहले। साड़ी को एकदम टाइट करके हमने रख दिया हुआ है, इसे साड़ी जो है एकदम टाइट है तो पापड़ जो है चुमड़ता नहीं है, टाइट रहता है। हाथों में हल्का सा तेल लगाकर पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों में ढेर सारा लगा हुआ था तो बहुत मुश्किल से छुड़ाया हुआ है, तो अब नहीं चिपकेगा क्योंकि हम तेल लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो गोला गोला बना के पहले इस जगह पे रखेंगे। एक बार जो है तेल लगाएंगे और गोला बनाते जाएंगे, जब तक हाथ में चिपकेगा नहीं तब तक दोबारा नहीं लगाएंगे, नहीं तेल ज़्यादा लग जाता है ना तो पापड़ में गंदा चिपकने लगता है।
तो दोस्तों जितनी बार हमने पापड़ बनाया है आप लोगों के बहुत ज्यादा पसंद आया हुआ है, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। तो इसी समय हमने नमक जो है चीख लिया हुआ है मिर्चा को, तो बहुत ही परफेक्ट है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पन्नी में हम लगा लेते हैं सरसों का तेल, थोड़ा सा मोटी पन्नी लिया हुआ है, इसमें हम एक तरफ जो है तेल लगा लेते हैं सरसों का। तो पहली बार है, थोड़ा सा अच्छे से तेल लगा लेंगे। तो एक साइड हम गोला रखेंगे, और ये देखिए ओजनी वाला भगोला हमने लिया हुआ है, और इसी से हम दबाएंगे। दबाते ही देखिए बहुत ही अच्छा जो है बन गया है। अब चलिए इसे हम थोड़ा सा, दोस्तों जब बच जाता है तो अगर कहीं थोड़ा सा मोटा पतला है तो उसे हाथ से बना लेते हैं। पन्नी जो है हटाते हैं। तो देखिए धनिया मिर्चा और जीरा सब कुछ अच्छे से पता चल रहा है। चलिए इसे हम फैला देते हैं। तो पापड़ दोस्तों पतला मोटा बना सकते हैं पन्नी से, चाहे जितना पतला बनाएंगे उतना पतला बन जाएगा। हम तेल नहीं लगाएंगे और थोड़ा सा ऐसे ही दबा देंगे जिससे सेट हो जाए, और थोड़ा जल्दी जल्दी हम पापड़ बनाएंगे क्योंकि एकदम शाम हो गई है। पन्नी जितना ही मोटा रहता है उतना ही जल्दी जल्दी जो है पापड़ बनता है। तो बहुत ज़्यादा मोटी हमारी पन्नी नहीं है, फिर भी हमने अभी एक बार भी तेल, पहली बार तेल लगा थे, अभी नहीं लगाया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो आप लोग पास से देख लीजिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है, धनिया मिर्चा जीरा, और इसे हल्दी हमने नहीं मिलाया हुआ है, अरे आप लोग मिला सकते हैं। पापड़ आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए हम तेल लगाएंगे हल्का से, देखिए नहीं छोड़ रहा था। तो पापड़ हम दूसरी टाइम बना रहे हैं और सूख जाएगा रात में, अच्छे से हवा चलेगा। तो इतना ढेर सारा पापड़ हमने बना लिया हुआ है, तो देखिए गोला हमने इतना बेटी सपने बनवा लिया है जिससे जल्दी हो जाए ना, अंधेरा होने वाला है। इतना पापड़ हमने बना लिया है, अभी देखिए 25 सेंट बचा हुआ है अभी, और काफी अंधेरा हो गया है, और रात में सूखेगा, देखिए कितना मतलब कैसा रात में सूखता है। तो सुबह दोस्तों हम आ गए हैं छत पे, और कल बहुत ही ज़्यादा जो है रात हो गई थी, तो आप लोगों को लास्ट में नहीं दिखाए हैं। तो सुबह सुबह तो दोस्तों इसे हम पलटेंगे, रात में हवा से जो है बहुत अच्छे जो है सूख गया है, तो चलिए इसे हम पलट देते हैं। तो बहुत ही पतला पतला हमने पापड़ बनाया हुआ है, और सुबह सुबह दोस्तों बहुत ही अच्छे जो है छूट रहा है। ये देखिए यहाँ पे टूट गया एक पापड़, एक दो पापड़ तो दोस्तों टूटता ही रहता है, ज़्यादा ना खराब हो। तो कल रात में आए थे देखने के, देखते सूख रहा है कि नहीं, तो देखिए तुरंत हम कल रात में पलटे थे, ये वाला देखिए काफ़ी सूखा हुआ है। तो कल रात में अकेले रहे थे तो नहीं पलटे थे, क्या सोचा कल आप लोगों को दिखा देंगे, दिखाएंगे तब पलटेंगे। तो साड़ी में हल्का से जो है चिपका रहता है, और सूखने पर देखिए बहुत ही अच्छे जो है छूट जाता है। तो छुड़ाने के बाद दोस्तों दूसरी साइड में हम पलट रहे हैं, ये देखिए इस साइड में। तो चलिए आप लोग पहले पास से दिखाते हैं, ये देखिए धनिया मिर्चा और था जीरा सब कुछ अच्छे से जो है नज़र आ रहा है दोनों साइड। तो अभी जितना सूखेगा उतना ही पतला पतला दिखाई पड़ेगा, अभी अच्छे सूखा है, देखिए काफ़ी भी मुलायम है, मुलायम रहता है तभी अच्छे से छोड़ता है, अगर टाइट हो जाता है तो पानी लगाना पड़ता है। तो गांव में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है आलू का पापड़ बनता है, उसके बाद जो है चावल का बनता है। तो सारे पापड़ को हमने पलट दिया हुआ है, चलिए इसे सूखने देते हैं, उसके बाद आप लोग तल कर दिखाएंगे। तो इसमें 11 बज रहा है और पापड़ अच्छे से सूख गया है, तो चलिए इसे लेकर चलेंगे और अच्छे से इसे हम तलेंगे। तो पापड़ दोस्तों थोड़ा सा कम सूखा रहता है तभी अगर पलट देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, अगर ज़्यादा अच्छे से सूखा रहता है पानी लगा छोड़ाता है तब टेढ़ा नहीं होता। तो चलिए देखिए पूरा एकदम एक डेलाई जो हमारा भर कर पापड़ तैयार हुआ है, और पापड़ दोस्तों पन्नी में भर कर तभी जो है गट्ठी मार कर रखा जाता है जैसे इसमें हवा ना लगे, और बहुत ही सालों साल इसे हम लोग रखते हैं, फूल की जैसा एकदम खिला हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वही चूल्हा मैंने दोबारा जो है आग को जला लिया हुआ है पापड़ तलने के लिए, अब रख दिए हैं कढ़ाई, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं रिफाइन का तेल, अब इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो पापड़ बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों, ये देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इसे बहुत ज़्यादा आँच लग रहा है। तो हम कढ़ाई को उतार देते हैं।
तो ज़्यादा हम नहीं तले हुए हैं, देखिए इतना तले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुलायम है दोस्तों ये देखिए। तो बहुत ही अच्छा हमारा पापड़ बना हुआ है ये देखिए। आलू का जो है पापड़ बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।